जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज गिरजेश कुमार वाले एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश की बेहतरीन पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है, उसका अध्ययन करेंगे। पोएम समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जॉन मिल्टन के बारे में बता दूं। एक्चुअली जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो 1608 में लंदन में हुआ था। इनके पिताजी एक जाने माने वकील थे और ये अपने पिताजी की तीसरी संतान थे। इनका जो प्राइमरी जो एजुकेशन है, प्राथमिक जो शिक्षा है, वो सेंट पॉल स्कूल से हुई थी। उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए 1632 में यानी 1632 में कंप्लीट किया था। इनके पिताजी जाने माने एक्सपर्ट म्यूजिशियन थे और न केवल म्यूजिशियन थे बल्कि म्यूजिक कंपोजर भी थे, और जॉन मिल्टन को ये सारे गुण अपने पिताजी से मिले थे। और जॉन मिल्टन के बारे में एक चीज और आपको बता दूं कि ये बड़े खूबसूरत थे। इनकी खूबसूरती के कारण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, क्राइस्ट कॉलेज में, इनको लेडी ऑफ द कॉलेज के नाम से पुकारा जाता था। इन्होंने पीजी किया, लेकिन इनका जो झुकाव था वो लिटरेचर की तरफ था, मॉडर्न लैंग्वेज की तरफ था, तो इन्होंने कविताएं लिखनी स्टार्ट कर दी। इनकी कविताओं की एक खासियत ये भी है कि इनके मैक्सिमम जो पोइम्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल हैं, खुद के बारे में। हालांकि 44 साल की उम्र में 1652 में ये अंधे हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की सबसे बेहतरीन इंग्लिश एपिक पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखी थी। उसके बाद इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड भी लिखा था, सैमसन एगोनिस्ट भी लिखा था। हालांकि 1674 में उनकी डेथ हो गई थी। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जॉन मिल्टन जब 44 साल की उम्र में अंधे हो गए तो इन्होंने इतने बड़े इपिक की रचना कैसे की। वास्तव में इनकी जो लड़कियां थी ना, वो इनके प्रति बहुत समर्पित थी, और इनकी लड़कियां आजीवन अपने पिताजी की खातिर शादी नहीं की। इनफैक्ट इन लेटर ईयर्स ऑफ मिल्टन हिज डॉटर्स बिकेम द आईज एंड ईयर्स ऑफ देयर फादर। अब जरा हम पोयम की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोयम है ना, इट इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन। पर्सनल सोनेट, सोनेट 14 लाइन की कविता, तो इट इज ए पर्सनल सोनेट ऑफ मिल्टन एक्सप्रेसिंग ग्रीफ ओवर हिज प्रीमैच्योर ब्लाइंडनेस। कम उम्र में ही जो अंधे हो गए थे तो उसमें इनकी जो मानसिक पीड़ा थी उसके बारे में ये कविता है। वास्तव में इट इज ए कंप्लेन टू गॉड फॉर हिज इनजस्टिस। द पोएट वॉज अनेबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। द पोएट सून रियलाइजेज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड गेट्स कंसोलेशन। मिल्टन इस सोनेट में समय से पहले जो अंधा हो गया था ना, उस पे इस कविता में दुख प्रकट करता है, मानसिक पीड़ा प्रकट करता है। वह सोचता है कि जो उसको कविता लिखने की प्रतिभा ईश्वर के द्वारा मिली थी, तो उसका उपयोग वह ईश्वर की सेवा में नहीं कर पा रहा है, भगवान की प्रशंसा में कविताएं नहीं लिख पा रहा है। लेकिन वो जल्द ही अनुभव करता है कि भगवान की सबसे अच्छी सेवा जीवन के कष्टों और आपदाओं को सहन करना है। ईश्वर जो भी हमें कष्ट देते हैं, जो भी हमें पीड़ा देते हैं, अगर हम उसको शांति से सह लेते हैं तो इसका मतलब हम भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो उसका मानना है बाद में कि ये हमें भगवान द्वारा हमारे धैर्य की परीक्षा करने के लिए दी गई है, जो भी कष्ट है, इसीलिए हमें भगवान में विश्वास करना चाहिए। तो ये इस पोयम के बारे में है। एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वास्तव में इसको मिल्टन ने नहीं दिया था। मिल्टन ये कविता कंपोज किए थे लेकिन टाइटल नहीं दिए थे। जब ये पोयम पब्लिश हुई तो पब्लिशर ने, अब चूंकि बिना टाइटल की कविता थी तो इसलिए अब चूंकि टाइटल कुछ ना कुछ तो देना ही था, तो पब्लिशर ने इन्हीं के अंधेपन के बारे में चूंकि था, इसलिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दे दिया था।
तो ये रहा पोयम के बारे में। अब हम देखते हैं इस पोयम की पहली स्टेंजा। यहां पे देखिए, व्हेन एक चीज और देखिए, जो टफ शब्द है, डिफिकल्ट वर्ड है, हमने इसके ऊपर लिख दिया है, नीचे अंडरलाइन कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर मीन्स थिंक, हाउ माई लाइट, लाइट से सेंस है आई साइट से, आंखों की रोशनी, इज स्पेंट, स्पेंट से सेंस है लॉस्ट का, आर आर मीन्स होता है अर्ली, बिफोर हाफ माई डेज, हाफ माई डेज यानी हाफ ऑफ माई लाइफ, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, लॉज, लॉज मीन्स होता है पड़े रहना, लाइन विद मी यूजलेस, दो माई सोल मोर बेंट, बेंट मीन्स होता है इच्छुक होना, टू सर देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लिस्ट, लिस्ट में होता है कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग मतलब आफ्टर डेथ, जब ऐसा माना जाता है ना कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा ईश्वर के सामने जाती है तो हमारे कार्यों का लेखा जोखा वहां पर लिया जाता है, तो रिटर्निंग आफ्टर डेथ अ चाइल्ड, चाइल्ड होता है स्कूल। एक्चुअली वास्तव में कब यहां पे कहता है कि जब कभी मैं सोचता हूं, जब भी मैं सोचता हूं कि मेरी आधी जीवन के पहले, अर हाफ ऑफ माई डे, आधी जीवन से पहले मैं कैसे अंधा हो गया, कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई, और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये संसार जो है मेरे लिए अंधकारपूर्ण हो गया, विशाल हो गया, तब मुझे दुख होता। कभी कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक प्रतिभा, कौन सी प्रतिभा, कविता लिखने की प्रतिभा, कविता लिखने की प्रतिभा, Which is death to hide, जिसको छुपाना मृत्यु के समान, मृत्यु समान का भी नैतिक मृत्यु, यानी ईश्वर ने अगर आपको कोई प्रतिभा दी है और उस प्रतिभा का सदुपयोग आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह कि उस प्रतिभा का आप गलत घोट रहे हैं। तो कवि का कहना है कि यहाँ पे वह एक प्रतिभा जिसको छुपाना नैतिक मृत्यु के समान है, वो क्या है, उसका मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, लॉज विद मी यूजलेस, मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई है, याद, हालांकि दो, यद्यपि कि माई सोल मोर देन, मेरी आत्मा जो है ना बहुत इच्छुक है, यानी कि मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी इस योग्यता का, इस प्रतिभा का, अपने ईश्वर की, यानी कवि ईश्वर की सेवा करना, यानी ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखना, तो मेरी इच्छा है कि मैं इस योग्यता की, इस प्रतिभा का ईश्वर की सेवा में प्रयोग करूं, और टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है प्रस्तुत करना, अपने प्रतिभा का ईश्वर की सेवा में उपयोग करूं और फिर प्रस्तुत करूं, क्या, माई ट्रू अकाउंट, सही लेखा जोखा, यानी कि मरने के बाद जब मैं ईश्वर के सामने जाऊं तो संसार में अपने द्वारा किए गए कार्यों का सही लेखा जोखा मैं प्रस्तुत कर सकूं, क्यों, लेस कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं लौट के जाऊं मरने के बाद, जब मैं ईश्वर के सामने जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रतिभा का उपयोग न करने के लिए ईश्वर मुझे दंडित करे, तो ये शंका कवि के दिमाग में चल रही है, इसलिए कवि यहां पे ये कह रहा है कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद जब मैं जाऊं तो ईश्वर मुझे डांट। तो इन दिस ओपनिंग स्टेंजा वी नोट दैट मिल्टन इज वेरी मच ग्रीव्ड, very much worried when he thinks why he has become blind before half of his age. This world has become very wide and dark for him. God has given him a poetic talent which nobody can take away. But it is lying useless with him. It is lying useless with him. Because in absence of eyesight, he cannot compose poem. This is more eager to, sorry, he is more eager to serve God, but he is helpless. So he thinks that God will scold him when he is not able to justify his mission on the day of judgment. So in this way, we see that he expresses his grief through this stanza. Let us come to the second stanza. Doth God eject day labor, eject, demand, day labor, light, night? I fondly asked, fondly, yani foolishly asked, but patience to prevent
That murmur, murmurous complaint, Soon replies, God doth not need either man's word or his own gifts. Who best bear, सहन करना, his mild yoke, mild means होता हल्की फुल्की, yoke, yoke means यहाँ से sense है, suffering से, वैसे yoke का मतलब होता है जुआठा, आप लोगों ने देखा होगा, किसान जब पहले के जमाने में बैलों से जुताई करते थे, तो बैलों के जो कंधे पे जो लकड़ी का वो लगा रहता था, तो दोनों बैलों के बीच में, तो उसको हम योग यानी जुआठा बोलते हैं। तो चूंकि बैल जब हल खींचते थे तो उनको कष्ट होता था, तो इसीलिए यहाँ पे योग शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब कष्ट से है। दे सब हिम बेस्ट, वास्तव में कवि कह रहा है कि डथ गॉड जेट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली अस, कवि कह रहा है कि मैं मूर्खता से पूछ रहा हूं कि क्या भगवान उसे पूरे दिन की से मेहनत कर पूरे दिन का जो लेखा जोखा लेना चाहता है, पूरे दिन के कार्यों का लेखा जोखा लेना चाहता है, डथ गॉड जेट डे लेबर, पूरे दिन मैंने क्या किया है क्या उसका लेखा जोखा लेना चाहता है, और वो भी तब जबकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, अर्थात मैं अंधा हो गया हूं। किंतु That murmur soon replies to prevent, किंतु तुरंत कवि के दिमाग में जो इसका धैर्य है उत्तर देने के लिए आ जाता है, इसकी शिकायत जो है ठीक है उसको रोकने के लिए इसका धैर्य रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, क्या करता है कि God does not need, भगवान को किसी मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, either man's work Are his own gifts, और न ही अपने उपहारों के बदले, यानी उपहारों से मतलब क्या है, जो कविता लिखने की प्रतिभा उपहार स्वरूप इसको मिली थी। तो कवि कह रहा है, कवि की अंतरात्मा उत्तर देती है कि ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और न ही वो अपने उपहारों के बदले मनुष्य से कुछ प्राप्त करना चाहता है। Who best bear his mild yoke, यानी कि जो व्यक्ति बिना किसी संदेह के बिना किसी शिकायत के बिना प्रश्न किए हुए भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं वे भगवान की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। यानी कि ईश्वर जिन भी परिस्थितियों में मनुष्य को रखता है, यदि मनुष्य उन परिस्थितियों में रहते हुए जो भी उसकी क्षमता है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान की वो सर्वोत्तम ढंग से सेवा करता है। तो इन दिस वे इन दिस स्टेंजा वी नो Poets complain to God, but realization of his mistake, he foolishly asks if God is so unjust that he expects a blind man to write poems. But soon patience, check him and tells him that God neither wants to take work from any man nor he has any need of the gifts given by him. God has given punishment to man for his sins in the form of light suffering. So the man who cheerfully wears the misfortunes of life and takes them as the will of God serves him best. Thus the poet realizes that he should not complain against God. So it was the English explain of this very stanza. Let us come to the last stanza. His state means होता है position, is kingly, thousands essence है, thousands of angels, हजारों देवदूत, at his bidding होता है order, speed, do immediately, and post means होता है travel, overland and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. वास्तव में कवि की अंतरात्मा उत्तर देती है कि भगवान की जो स्थिति है ना, His state is kingly, राजाओं की तरह है, हजारों देवदूत, thousands, हजारों देवदूत at his bidding speed, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पे बहुत तेजी से पृथ्वी पर भी और समुद्र में भी लगातार घूम फिर रहे हैं, speed and post over land and ocean, पृथ्वी पर भी समुद्र में भी लगातार घूम रहे हैं, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं, they also serve who only stand and wait, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा करते हैं जो शांति से खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो बिना शर्त के स्वयं को भगवान की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं। यानी कवि की अंतरात्मा कहती है कि आप कितना काम करते हैं ये मायने नहीं रखता, आप भगवान के प्रति
किस हद तक समर्पित है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेज दैट द पोजिशन ऑफ गॉड इज लाइक किंग्स, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर रनिंग कंटिन्यूसली ओवर लैंड एंड ओशियन, दे डू नॉट टेक रेस्ट एंड ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू कन्वे द मैसेज ऑफ गॉड टू द पीपल एवरीवेयर एट हिज ऑर्डर। द सफरिंग एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ लाइफ आर गिवन टू अस बाय गॉड एज ए टेस्ट, सो द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज टू बियर दिस सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेन। तो इट वॉज द एक्सप्लेन ऑफ दिस वेरी स्टेंजा। यानी कुल मिला जुला करके ओपनिंग जो स्टेंजा था इसमें कवि अपने मन की बड़बड़ाहट को प्रकट कर रहा है, अपने मानसिक पीड़ा को प्रकट कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति उसका समर्पण देखिए कि बाद वाले जो स्टेंजा है दूसरे स्टेंजा से उसका ईश्वर के प्रति कितना विश्वास है, उस विश्वास को यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसकी अंतरात्मा कहती है नहीं नहीं ईश्वर को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, वो तो जो हमें पीड़ा देता है वो हमारे टेस्ट हमसे टेस्ट लेने के लिए करता है, जो भी वो कष्ट देता है उसको अगर हम शांतिपूर्वक सह लेते हैं इसका मतलब भी हम ईश्वर की सर्वोत्तम ढंग से सेवा करते हैं। तो ये बेहतरीन एक कविता थी जिसमें ईश्वर के प्रति कवि का समर्पण भी दर्शाया गया है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ये पोएम आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि ये पोएम आपको कैसी लगी, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड से शेयर करिए जिससे कि वे लोग भी इस कविता का आनंद ले सकें, इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू वेरी मच।